तो सेम ऐसे ही करेंगे, पुट कर देंगे जैसे हम पहले बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी टू वी जेड बाई डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वी जेड जी प्लस जे ओमेगा सी आर प्लस जे ओमेगा एल। इसको पहले हम ठीक है, इसको लिखिए, अब इसको लिख लेते हैं, डी टू आई जेड बाई डी जेड डी जेड ऐसा है, सॉरी ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में दिया मैंने, इक्वल्स टू यहाँ वाली वैल्यू, आई जेड आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। अब ये दोनों ही इक्वेशन में आप देख रहे हैं, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है, इसी टर्म को प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं, गामा। तो जो गामा स्क्वायर है, सॉरी, तो गामा की जो वैल्यू आती है वो अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी होती है। तो इसमें चारों आपके पैरामीटर्स आ जाएंगे, लम पैरामीटर्स, अगर इन चारों, जी चारों हैं ही नहीं तो प्रोपगेट ही नहीं हो पाएगी वेव, कम से कम आपका एल और सी होना ही चाहिए। लॉसलेस लाइन के लिए जो आर है वो भी जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, और जी भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो गामा होता है अंडर रूट ऑफ एल सी, क्योंकि आपको मालूम है ये जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर की जगह हो जाएगा ओमेगा, तो गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा एल सी। जे स्क्वायर आपका -1 है, अंडर रूट ऑफ जे स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1 जो ये आपका बताता है, इमेजिनरी वैल्यू आपकी एक है ये ओमेगा एल सी, आप चाहें तो जे ना भी लिखें तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल सी है ये, अपने ये सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि रियल पार्ट आपके जीरो हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी लाइन इसी इक्वेशन को इम्प्रूव करना है, अगर आप चाहें तो इसमें गामा स्क्वायर बस पुट कर दीजिए, वी जेड डॉट गामा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डी टू आई जेड अपॉन डी जेड हो जाएगा आई जेड डॉट गामा स्क्वायर। इन दो इक्वेशन को आप थोड़ा सा अरेंज करके जब इस तरह से लिखते हैं, डी टू आई जेड बाई डी जेड माइनस गामा स्क्वायर आई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी कहलाती हैं वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गई आपकी वेव इक्वेशन। ठीक है, और वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है, इसका सॉल्यूशन होगा वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट एक कांस्टेंट है, ई टू द माइनस गामा जेड, जेड अलग है गामा अलग है, जेड हमारा डिस्टेंस का पैरामीटर है, कहीं कहीं इसको एल से भी डिनोट करते हैं ये बताने के लिए कि ये एक लेंथ है, तो यहाँ हमने जेड से करा है, और जेड और जेड नोट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल जेड आप डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आएगा आई जेड इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा जेड। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन है, गामा की जगह आप अल्फा प्लस जे बीटा दोनों तरफ रख लीजिए, इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक तरफ आपकी वोल्टेज वाली इक्वेशन चल रही है, तो ये ऐसा हो जाएगा,
यहाँ पे लिख दीजिएगा जेड जो है वो लेंथ है, स्मॉल लेंथ, जहाँ तक भी आप ट्रांसमिशन लाइन ले रहे हैं वहाँ तक की। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, चाहे तो इसको अलग अलग लिख दीजिए। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट हमारा है कि हम प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। सबसे पहले तो हम सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले तो हम इसको बता दें, ये इसका मतलब ये हो रहा है एटीन्यूएशन हो रहा है, और ये वी नॉट जो है मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस होता है वोल्टेज, ये मैक्सिमम, उसके रिस्पेक्ट में कितना एटीन्यूएट हुआ ये ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड का पैरामीटर बताएगा। ये वाला जो पैरामीटर है ये बताएगा इसका एंगल या फिर फेस। तो अगर मान लीजिए लाइन में लॉस है तो पहले तो वी नॉट से वो शुरू होगी और फिर धीरे धीरे जो है वो एटीन्यूएशन हो रहा है ये ई टू द पावर अल्फा जेड की वजह से। वी नॉट एटीन्यूएट होता चला जा रहा है अल्फा जेड के एक्सपोनेंट में, ठीक है, उसको कम करता जाएगा, अल्फा जेड की वैल्यू उसको कम कर रही है, तभी माइनस के साथ है तो एटीन्यूएशन हो रहा है। और ये रियल पार्ट है जो एटीन्यूएशन बताएगा, ठीक है। और अगर कोई एटीन्यूएशन नहीं हो रहा एज इट इज़ अ वेव, तो आपका जो वी जेड है वो वी जेड ही बनता है, बना रहेगा, और अल्फा इसमें ज़ीरो है। तो ये जो है सिर्फ फेस चेंज हो रहा है वेव का, यानी इसमें ई टू दी पावर माइनस जे बीटा जेड का ही फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंट पार्ट है, बाकी वाले पार्ट क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं। इसके साथ ही मैं इसको कंक्लूड करूँगी कि अब आप आर की वैल्यू कैसे निकालें। तो दो स्टेप का है बस, तो यहीं से उठाया हमने के माइनस डी वी, जैसे हमें पता है इक्वेशंस हैं हमारी आई जेड डॉट, ये वोल्टेज वाली थी और ये करंट वाली। ठीक है, तो यहाँ आप डी वी जेड बाय डी जेड की जगह आप गामा वी जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं गामा आई जेड। और जेड नॉट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट एट द सोर्स एंड। ये सोर्स एंड के वोल्टेज एंड करंट है, उसके रेशियो को आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। तो वी जेड की जगह आप लिख सकते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल, इस इक्वेशन के हिसाब से। व्हाट इज वी जेड? आर प्लस जे ओमेगा एल, वी जेड अपॉन आई जेड इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन गामा। और इस इक्वेशन के हिसाब से वी जेड अपॉन आई जेड कितना हो जाएगा, गामा अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक, तो बेसिकली जो आपका जेड नॉट है, अगर आप गामा की वैल्यू यहाँ लिखते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ, इससे निकाल लो चाहे उससे,
और ये इसको भी दो बार अंडर रूट लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको कैसे लिख लिया, रूट आर प्लस जो ओमेगा एल इंटू रूट आर प्लस जो ओमेगा, आर प्लस जो ओमेगा एल कैंसिल हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की आपकी नई वैल्यू आ जाएगी, आर प्लस जो ओमेगा एल प्लस जी प्लस जो ओमेगा सी। अगर आपकी लाइन लॉसलेस है तो आर टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, जी टेंड्स टू जीरो, जेड नॉट की जो वैल्यू होगी एल अपॉन सी, जे ओमेगा कैंसिल, ये एक रियल वैल्यू आएगी, ठीक है, जो टोटली डिपेंड करेगी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे, यानी कितनी कंडक्टिविटी शो कर रहा है आपका वायर उस पर डिपेंड करेगा, जितना अच्छा होगा उतना आपकी वैल्यू अच्छी रहेगी, ठीक है। एक टू वायर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका जो जेड नॉट होता है वो होता है 120 अंडर रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर नेचुरल लॉग ऑफ डी बाय टू ए प्लस अंडर रूट डी बाय टू ए का स्क्वायर माइनस वन, वेयर व्हाट इज डी। मान लीजिए ये दो वायर हैं, ऐसे सामने से देख रहे हैं आप, यहाँ से चलते चले आ रहे हैं, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एज मेजर फ्रॉम द सेंटर, और जो ए है रेडियस ऑफ द वायर है, ठीक है, और डी इसका डिस्टेंस है पैरेलल वायर्स का। कोएक्सियल केबल में इसकी वैल्यू अलग होती है, जेड नॉट की वैल्यू कोएक्सियल के लिए, तो जेड नॉट हमें मालूम है कि अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी होना चाहिए किसी भी लॉसलेस लाइन का, तो कोएक्सियल केबल्स के लिए जो एल होता है दैट इज पर यूनिट लेंथ वाला, जो एल होगा पर यूनिट लेंथ वाला, पर यूनिट लेंथ में उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू आर म्यू नॉट अपॉन टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए, तो बी इज द रेडियस ऑफ द आउटर कंडक्टर एंड ए इज द रेडियस ऑफ द इनर कंडक्टर, और जो सी की वैल्यू होती है टू पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको कोएक्सियल केबल का जेड नॉट पता चल जाएगा, दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये होगी 60 म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए। तो इसी के साथ यहीं पे इस टॉपिक को एंड करते हैं, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।